बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। चलो चले जी, वॉलेट वगैरह मिल गया। स्वात आ गए भाई, हम लोग यहाँ पे पुलिस लाइन चौक में बताया उन्होंने, और अब उन्होंने आगे मजीद जिस बंदे से बात हुई है, वो बंदा यहाँ पे कोई है, स्वाबी, स्वाबी बोला, क्या बोला था, जलमी, 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 जलमी मोबाइल, ये जलमी मोबाइल, चलो मिल गया जलमी। ये शनाख्ती कार्ड वगैरह तो मिल गया हमारा इनके पास, दूसरी चीजें जो है वो भी अब आ जाएंगी इंशाल्लाह जल्दी। ये वैसे नया भी बनने के लिए दे दिया है दुकान, ये भी टूटा हुआ काफी देर से रिप्लेस नहीं हो रहा था। ये यहाँ पे मोबाइल शॉप वाले भाई हैं, बहुत अच्छे हैं यार, इन्होंने ही वो लगाया था, किसी फैसलाबाद वालों को टैग किया, आगे से फैसलाबाद वाले ने हमारे गांव वाले ग्रुप में टैग किया, और गांव वाले ग्रुप में वो लड़के ने देख लिया, फिर मुझे पता चला जी। हाँ भाई साहब, ये चाय बुला रहे हैं, मत कर दो। तो भाई साहब ये दौर लगा दी फिर, मुझे पता क्या लग रहा है, अगर शनाख्ती कार्ड इनके पास है तो फिर वॉलेट इनके पास कैसे नहीं हो सकता। मुझे लगता है वॉलेट इनके पास है, जानबूझ के पुलिस का नाम ले रहे हैं कि भाई सच बताएंगे, सही बताएंगे। तो बाकी आप देखते हैं क्या करते हैं, क्योंकि शनाख्ती कार्ड इनके पास निकला है तो वो फिर पुलिस को क्यों नहीं दिया, सवाल क्रिएट होता है ना। फिर तो काफ़ी हो गई है पर अभी तक भाई आए नहीं है, मैं वैसे गाड़ी साइड में करने के लिए गया था, अब भाई आए क्योंकि सुबह से कोई चीज़ भी नहीं खाई, भूख भी काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है। इस टाइम तो भाई पुलिस स्टेशन बंद है, अब सुबह कह रहे हैं पुलिस स्टेशन में जाएंगे। बाकी इतने नाइस बंदे यार, इतना नाइस कोई कैसे हो सकता है इस दौर में, 500-500 रुपये के पीछे बंदे ईमान अपना ज़ाया करते हैं, ख़राब करते हैं। तो ये बंदे जो है अच्छा खासा पैसा, 55,000 रुपया प्लस दूसरी चीज़ें सारी, चलो कमाल ही है यार, मैं तो हैरान हो रहा हूँ कसम से, बाबर जाने नहीं दे रहे थे, नहीं आप हमारे साथ चलो, वहाँ पे रहो, वहाँ पे खाना खाओ। बाकी जो वो शॉप वाले थे भाई मोबाइल वाले, वो पैसे नहीं ले रहे थे क्योंकि चार्जर वगैरह लिया तारक ने वहाँ से, वो कहते वो भी फ्री में। मैं कहा यार कोई है कोई बात करने वाली। पहले हम लोगों ने ये सुना था कि खान भाई जो होते हैं ना, ये बहुत मेहमान नवाज, बहुत ज़्यादा चार्जर है, यकीन करो कसम उठा कर कहता आज देखा है लाइफ में, एक्सपीरियंस की है। ये इस साइड पे मुगल बिरयानी है, बिरयानी के तो फैन है भाई, ऊपर से फिर टर्न लेकर आते हैं और यहाँ पे बिरयानी खाते हैं। पार्किंग गांव पे लगाए, यहाँ भी सही अच्छा खासी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, यहाँ पे भी पार्किंग नहीं मिलेगी। इस जगह पे हमें पार्किंग मिली है, क्या बताएं भाई साहब, रोड ही ऐसा है, निकलना पड़ेगा। चल आगे 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 आ जाना उधर, चार बिरयानी ले आओ। हाँ बिरयानी के रेट सही हैं कि ज़्यादा लग रहे हैं, दूध 50 फैसला बस 160 रुपये मिलती है एक प्लेट, डबल रेट है। डबल चिकन बिरयानी क्या होती है भाई, सब 400 रुपये की। हाँ मिसाले से भरी हुई, मज़े की टेस्ट, मज़ेदार। साथ में रायता वगैरह नहीं है, वैसे ही मिला हुआ सब कुछ। ये मसाला देख बहुत ही यार, 100 रुपये का सलाद, 200 रुपये की एक बिरयानी और 30 रुपये का रायता लगा। बाकी जो हिल स्टेशन है ना उनसे सस्ते ही है समझ लो, वहाँ पे तो बहुत ही आग लगी हुई थी मरी वाली साइड पे। बिरयानी होगी सस्ती वाली, बाद में अब हम लोग कहवे पी रहे, वो भी सस्ते हैं, 30-30 रुपये का कहवा, कहवा 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 जो भी है, मतलब कि 30-30 रुपये का। वो यकूब भाई को भी लाया, ट्राई किया है, अगर कुछ हो गया तो उसको ही हो। नहीं कुछ नहीं होता मुझे, कुछ नहीं। कैसा कैसा है दिखा सही आगे तो कर, सौंफ लाची लूची डाल के ना नीचे पता नहीं क्या कुछ डाला, कुछ नहीं वो जो डाला वो नीचे बैठ गया, इस तरह की मेरे कानों से मैल निकली थी। मजा है इसमें, लेमन डाला हुआ, लेमन, हाँ लेमन, और इसमें पत्ती डाली हुई है, बस कर लेमन। चल आगे कैमरा, ये खान भाई काफ़ी ज़्यादा शौक से पीते हैं भाई साहब। रूम देखने के लिए जा रहे हैं, 108 कामरान होटल है यहाँ पे स्वात में, तो बजट में चाहिए, बजट भाई साहब मेन चीज़, 2000 से स्टार्ट होकर कह रहे हैं कि आगे चला जाता 10,000 तक, सबसे चीप बोला बेहतरीन 2000 रुपया भाई मैंने बोला है। रूम देखा है, बाकी वो जो 2500 मांग रहे हैं, तो वो जो बंदा है उसने हमें 2000 रुपये में बोला है रूम, अब हम लोग आगे से पता करते हैं फिर। चले भाई वो 2000 रुपये में फाइनल हो गए,
अब रात है, सुबह निकलेंगे फिर। खैर है, पार्किंग भी अच्छी है, थोड़ा सा ड्रामा किया निकलने वाला। 2000 में सही क्योंकि भाई मैंने कंबल अपना निकालना है। अच्छा, मैं नहीं लेता किसी का कंबल। जुआ पाया नहीं? निकालना, पकड़ना ये कंबल, पकड़ और लैपटॉप वाला बैग भी पकड़। पकड़ ले, पकड़ ले, पकड़। सबर है, हार्ट और तेरे कोई ना कोई ऐसा भी हो ही रहा थी। हर चीज उठा रहा है। चादर सरकार। सर बहुत शुक्रिया, जरूरत नहीं है रात को चादर को, क्या कर रहा था यार। सुबह पहन ले चादर, ले लेंगे तो सोना नहीं है। और सोना चादर कंबल वगैरह हर चीज है, कमरा सही है। तारक भाई रहने दे, हर मिर्गी दे दाम कर। रूम देखेगा 2000 में तो समय लग जाएगा। तो क्या मेरा बच्चा आ जाओ रहा, ये बैग सिर्फ पकड़ना बस, करोड़े खाने वाले बस, इतना सा रजिस्ट्रेशन करवा लें, बाकी 108 कहाँ पे वो है, वो रूम है। आईडी कार्ड निकाल लो सभी, इसका चेक कर। चलो ऊपर जाओ, ऊपर चलना। नाइस, बहुत टॉप का नहीं बोल सकते पर बहुत गंदा भी नहीं बोल सकते इसको। ठंड रात सारी बहुत लगती रही है भाई साहब, और ठंड है भी काफी ज्यादा भाई। रखते क्यों नहीं है चादर? कैमरा ऑन हो लेने दो, ये खूब कह रहा है कैमरा ऑन हो लेने दो, कैमरा ऑन होगा फिर रखेंगे। अच्छा रख ले, रख ले, अब रख ले बस, ठीक है रख रख। मेरी दर वक्त बैटरी खत्म हो रहती है। अरे अभी तक रख तो ले रहे चीजें। तो वो पहाड़ जो है वो सारा बर्फ ही बर्फ है, इस साइड में बर्फ है, वो भी बर्फ है। स्वाद में बर्फ नाम की चीज कोई नहीं है, बाकी साइडों में सराउंडिंग जो है वो सारी बर्फ से भरी पड़ी है। पहला नंबर तो जो काम था रात को रह गया था, वॉलेट वगैरह नहीं मिला हमें, तो वो वॉलेट का पता करें, ये साथ ही शॉप है बंदे की वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो उससे जाके वैसे पता करते हैं। और अभी नाश्ता भी करना है। नाश्ता अब क्या करना है? नाश्ता जो मिल गया खा लेंगे, चाय के साथ इसको लड्डू खिला दो। क्या वो शादियों पर मिलते हैं? बैठो बैठो, मोबाइल चार्ज करना याद ही नहीं। हाँ। मेरा दिल पता है क्या तारक, हम लोग ना वहाँ से अंडा और उसके अलावा दूसरा ब्रेड वगैरह ले ले, हल्का फुल्का नाश्ता। चलो हल्का फुल्का कर लेते हैं फिर बाद में खाना खाएं। हल्का करोगे? हल्का कर लेंगे। साथ इधर ही हम लोगों ने जाना है। Birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper. मैं यार उसको नाश्ता बोल लूं, ये नाश्ता ऊपर लगा हुआ है, पूरी वगैरह यहाँ। नाश्ता 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 न्यूटा लेना, यही पराठा और अंडा कर दे, चार चार नाश्ते। अच्छा जी आज गाड़ी वो पार कर ले, उधर आगे पार कर दे। चलो ठीक है ठीक है, इधर गाड़ी और पार कर ले, बाकी वो हमसे पहले ही आके बैठे हुए हैं जिनके पास वॉलेट था ना, हमें लगा कॉल करनी पड़ेगी। बंदा है मुझे ना अब शर्म आ रही है, क्योंकि जो भाई से वॉलेट बताया ना, जिनके साथ वॉलेट के लिए जाना है, उनको ही मैं नाश्ते के लिए बोल रहा हूँ, मुझे लगा वो नाश्ते वाले। तो वह चलो ये वाले भाई, इनको वॉलेट मिला था तो रात को फिर हम लोगों ने चले जाना साथ, तो अब रात को तो लेट हो गए थे, इस वजह से सुबह दोबारा भी नाश्ते की शॉप है इनकी ना इधर, जलमी मोबाइल्स है, अगर कभी आओ तो जलमी मोबाइल के साथ नाश्ते वाली शॉप है, उनकी बात कर रहा हूँ। अब नाश्ते की शॉप है और पैसे नहीं मांगे, कह रहे पैसे नहीं लेने, आप मेहमान हो हमारे। अरे भाई साहब ऐसे नहीं अच्छा लगेगा ना। रोटियाँ आ चुकी हैं, खमीरी साइड पर यही चलती है, खमीरी रोटी। भाई का नाश्ता कर लिया है, अब पैसों की जानी कि जिद लगेगी, क्योंकि वो पैसे नहीं ले रहे ना, तो हमें यानी कि शर्मिंदगी होगी यार, इस तरह मैं थोड़ी करता है। खान साहब ने पैसे नहीं लिए, अब क्या यार भाई, इंसान ना जिंदगी में कुछ ना कुछ सीखता जरूर रहता है, कुछ अच्छा सीखता है कुछ बुरा सीखता है। जो मैंने अच्छा सीखा है ना, आप मानोगे नहीं, मैंने सब कुछ इससे सीखा है। और जो मेरे बुरा सीखा है वो सब इस भाई की करामात। ये चाय है यार, सारी अभी तो खा लिया है, ये नहीं खाया भाई, अभी इतना सर पहले पेट भर के खा लिए। आप भाई साहब चाय भी लेकर आ गए और साथ में फिर पराठे वगैरह भी हैं। माय गॉड, बहुत ज्यादा मेहमान नवाज यार।
अच्छा किया लोशन ले आया है, सारे मुंह पे ना खुश्की खुश्की हुई पड़ी है। सर्दियों में ना, सर्दियों में खुश्की बहुत ज्यादा मुंह पे ना आ जाती है। अभी भी है, अभी है, ये सर है, बहुत शुक्रिया। हाँ वैसे कर लो, वैसे आपने किया नहीं, चले जाए वो उधर आपके, चले आप चले भाई उधर जाना है, सारे सारे पुलिस स्टेशन उधर, उसको बता दे जितनी हो उसके पास पैसे है वो भी बता दे कितने पैसे। ठीक हो, ठीक है, कोई मसला, कोई मसला ना, पीछे से खुलेगा। चले उनकी गाड़ी में जा रहे हैं पुलिस स्टेशन साइड पे, इधर बैठो, दुकान पे आ रहे वापस। तो जब मैंने कल सुना कि जी वो बंदे आ रहे, इस भाई ने मुझे कॉल कर दिया, मैंने कहा क्या बोलते हैं आप, बस मैं खुशी से फिर घर में नहीं बैठा हूँ। मैंने गाड़ी निकाले, मैंने बोले यार हो सकते है वो प्राइवेट गाड़ी पे आता हो, तो मैं चलो गाड़ी लेकर के उनको ड्रॉप कर लेता हूँ यहाँ पर, ला ले बुला लेंगे और जो है ना आराम से। तो मैं यकीन करें आप खान साहब, बड़ा मतलब कि हैरान हो रहा हूँ कि आजकल के दौर में ऐसा होता नहीं है। ठीक है, बस हर बंदे का अपना अपना जहन है यार, हमने इस तरह मसले मसाइल होते रहते तो पता नहीं क्या होता क्या नहीं, बस हम यही रो रहे कि यार अभी कुछ देर बाद मौत है, आंखें बंद हो जा रहे हैं, पाँच मिनट एक सेकंड भी नहीं लगता, हो सकता है कि हम पहुंचे ही ना उधर। सही बात, और हम इस बात से डर रहे बस। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, तो ये तो दुनिया ही काम है, खत्म हो जाएगा बिल्कुल ऐसे। चलो अल्लाह ताला भाई अजर दे, आमीन। अबे अच्छी अच्छी जगह कौन सी स्वाद के नजदीक, नजदीक स्वाद के अंदर घूमने के लिए? घूमने ये मरगुजार है एक, एक बड़े जमाने अंग्रेजों को वक्त का, वो सैर सपाटे के लिए आते थे अंग्रेज। अच्छा, यहाँ पे हाँ मरगुजार उसको कहते हैं, यहाँ से तकरीबन कोई 10-12 किलोमीटर होगा। मरगुजार, ठीक हो गया। रोड पे मैं आपको रोड भी बता दूंगा, ठीक हो गया। तो वो भी है उधर, होटल शूटल भी है। रोड किस पे जा रहे हैं इस टाइम? ये न्यू रोड है ना, सोहराब खान, ये अभी जो चौक आएगा आगे वो सोहराब खान चौक है। ठीक हो गया, अंग्रेज घूमने के लिए यहाँ पे आते थे? हाँ हाँ बहुत ज्यादा जी, अभी भी ये मतलब जब मैं आप गए होंगे उधर भी जो है ना बड़ा बड़ा, अगले दिन हम गए थे। सही सही, मैं खुद आपको बता भी दिया कि मैंने अभी नवा शादी की है, घर वालों ने मुझे बोला कि चलो चलते, छह महीने का चलो आओ चले जाए। तो फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा ये वो तो पहाड़ी इलाका है, ये गाड़ी का मसला होगा। तो मैंने बेटे के साथ मशवरा कर लिया, तो बेटे ने मुझे कहा कि अब इस तरह बात ये है कि पेट्रोल आप खुद डलवा दो और गाड़ी में आपके लिए जो है ना भिजवा दो, और आगे आप जाने तक आप जाना। ठीक है, ठीक हो गया। वैसे खान साहब जो है बड़ा जबरदस्त गाड़ी उसने लाया और बिल्कुल पहाड़ी के साथ जुड़ रहा था, एंजॉय करके बड़े दोनों चले गए, बड़े तस्वीर शस्वीर और ये वो। घर वाले कहते थे जी हम जाए दिल नहीं करते कि चले जाए, अभी 12 भी बरस रही है, सबको सर्दी भी खूब लगा हुआ है, मगर दिल नहीं चाहते थे कि हम वापस चले, खाना भी नहीं खाया, पानी भी कुछ भी नहीं, कोई चीज दिल नहीं चाहता था, हमने बोले बस हम इधर घूमे फिरे। क्या बात है, मैंने बड़ा जबरदस्त से उनको बताया, मैंने बोला खुदा का वास्ते आप बैठ जाओ, आप तो नए हैं तो मेरे लिए काम नहीं ढूंढ रहे, उसी वक्त बन जाएगा। तो मेरी वाइफ अल्लाह खुश रखे, पहली वाली को भी और इनको भी, तो बड़ा जो है ना वो सही बात है। अच्छा अच्छा, अच्छा बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही स्कूल का एक वक्त गुजर जाए, बहुत जबरदस्त। ये जी मैं अभी ये सुन रहा हूँ ना मोबाइलों पे, ये लैपटॉप इधर उधर कीजिए, अगर जिंदगी में वाइफ आपसे नाराज है ना तो आपकी जिंदगी नहीं, सही बात, कुछ भी नहीं। सही बात, बस अगर आपकी वाइफ और आप राजी है और खुश है तो आपकी सारी जिंदगी ठीक ठाक जो है ना, सही बात, गुजरेगी, कोई समस्या बिल्कुल ऐसे ही है। खान साहब हमारे फौज में रहे 20 साल, वहाँ पे नौकरी की इन्होंने, जी जी पंजाब वाली साइड पे सियालकोट के पास, काशी पे का ना, तो इनकी वाइफ ए दे मलक मार्केट के दरवाजे सर उतरेगा अमन गदा दे सोराब खान चौक क्यों करा की वाइफ की डेथ हो गई, खजादा दे और गनो दे होम से देखो दे मलक मार्केट तरफ तरावाड़ा का ना, तारा तो पहली वाइफ की डेथ हो गई थी, तो बाद में दूसरी शादी खान साहब ने अब की है, तो घूमने की स्टोरी बता रहे थे कि इस तरह घूमने के लिए गए थे। बाकी ये ना इसलिए करते हैं, दूसरी शादी जल्दी कर लेते हैं, अगर इस तरह हो जाए मसला
ताकि बंदा जना से बच सके, जना से बहुत ज्यादा डर लगता है इस वजह करके। यही रीजन है खास, बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम जो है ना वैसे भी इस्लाम ने बताया हुआ है, कोई समस्या नहीं है। बाकी ये नहीं कि मैंने किस, मैंने बच्चों से भी पूछा कि मैं बेटा शादी करता हूँ आपका क्या ख्याल है। इसी तरह आपने जो पहले ससुराल थे उनसे भी मशवरा किया, सबसे मशवरा करके भाइयों के साथ भी, जब सब ने हाँ कर दिया कि आप भाई ठीक है आपकी हक है शादी कर ले, तो मैंने शादी कर ली थी, नहीं तो मैं नहीं कर रहा था। अगर इनमें से कोई भी बंदा कह देता कि नहीं जी मैं इस बात पे राजी नहीं हूँ, बहन हो भाई हो और कोई रिश्तेदार हो, ससुराल की तरफ से अगर कोई बंदा हो नहीं मुझे ससुराल वालों को अल्लाह खुश रखे, उन्होंने सबसे पहले मुझे ऑफर किया था कि जी आप अपने लिए बंदोबस्त करें, आपका अकेले जिंदगी हमें पता है कि गुजारना बहुत मुश्किल है। तो उससे बाद जो है ना हमने अपने लिए बस इंसान जीवन का साथी, बिल्कुल ऐसे इंसान मुश्किल होते हैं फैसले करना, पर अगर इस्लाम को ताव जिंदगी गुजारे ना तो सब कुछ जिंदगी का तरीका बताया गया है भाई साहब। खान साहब की कंपनी इंजॉय करते करते थोड़ी सी सैर भी करते जाते हैं, स्वाद की भी होना चाहिए। ये बाजार कौन सा है खान साहब? ये अपना न्यू बाजार है, सोराब खान चौक वाली बाजार, सोराब खान चौक वाली न्यू बाजार है ये सीधा, और ये रोड फिर सीधा जो है ना मेरे बैक साइड पे तालाम मोतियन इस साइड पे भी जाता है, सही सही। ये एक शहर के दरमियान से जो रोड जाते है वो ये है, सही सही सही। है तो बहुत बड़ा स्वाद, तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा जी, बहुत बड़ा है, कोई ऐसा शक नहीं है। ये जितने भी मतलब हिल स्टेशन है सारे यहाँ पे, यहाँ पे सबसे ज्यादा बड़ा यही है ना स्वाद, ये स्वाद है जी, बिल्कुल ठीक हो गया। इसको मिंगोरा भी कहते हैं, मिंगोरा और मशहूर स्वाद पे मशहूर से आ रहे जो हमारे वाली साहब नहीं थे जहाँ पहले वो हुक्मरान थे जी जी जी, शहजादा साहब और वाली साहब अभी फोत हो गए, जो पहले बुजुर्ग थे जो हुकूमत से अलावा वो खुद ही फैसला करते थे कि अगर कोई चोर पकड़ गया तो उससे हाथ काटते थे, और अगर कोई कत्ल कर लेता था तो उसको सरेआम गोली मार करके तो उसको उनके तो उनकी बादशाही अभी खत्म हो गई है, सही बात। अभी हुकूमत है यहाँ पे, सही बात। बाकायदा जो है ना कोई ऐसा मसला नहीं, सही है बात। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इन लोग है, कोई ऐसे वैसे लड़ाई झगड़े वाले नहीं है, अपना काम से काम बस, जी हाँ अच्छे इंसान, बहुत अच्छे हैं, फ्रेंडली फ्रेंडली लोग हैं, मतलब ये कि अच्छा मैं ना खासा मरी वाली साइड पे गया हूँ जी जी, तो मरी वाली साइड पे ना बंदों का लहजा बड़ा तल्ख है, सख्त है, पर यहाँ पे आया हूँ ना तो यहाँ पे लहजा फ्रेंडली बहुत है, और मिलनसार लोग ज्यादा मिले मुझे, जिनमें से आप भी एक है। आपकी कंपनी बहुत अच्छी लग रही है मुझे, बहुत बहुत काम बंदों की कंपनी जो होती है ना वो इतनी फ्रेंडली जल्दी हो जाती है, मतलब कि इतना कम वक्त में इतना फ्रेंडली बहुत मुश्किल होता है। तो खास सब कमाल है, एज का डिफरेंस नहीं लग रहा, इस तरह लग रहा है जिस तरह हमारे साथ हमारा यार है, जो हमारी एज फैलो है, मतलब जिस तरह मर्जी कल गपियाँ मारो। किधर गया हुआ था? नहीं, बड़े पेशाब में नहीं, इतना हक के नहीं।